नमस्कार साथियों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमोर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम खजूर के विषय में चर्चा करेंगे। खजूर जिसेस की संस्कृत में खरजूर, इंग्लिश में डैट और बॉटनिकल नेम फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा। यह ओरेकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। जिन स्थानों पर जलवायु अनुकूल होती है उन स्थानों पर यह बहुतायत से मिलता है। भारत में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश इन जगहों पर यह प्रचुरता से मिलता है। इसके गुणधर्म की बात की जाए तो यह स्निग्ध यानी स्लाइमी इन नेचर, मधुर, भारी, वात पित्त नाशक और जो इसकी अविकसित कली रहती है वो शीतल और रुक्ष रहती है। इसलिए इसे पीस कर यदि इसमें समान मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर बॉटल में भर कर रख दें और करीब 3 से 4 दिन तक रोज हिलाते हुए रखे रहें। उसके पश्चात इस मिश्रण को छान लें। छानने के पश्चात जिन लोगों को एसिडिटी के कारण सिर दुखता हो उनको यह रामबाण की तरह सिद्ध होगा। जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता हो वो अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। जो पीला खजूर रहता है वह मधुर अम्लीय स्वभाव का होता है, इसलिए डायरिया रोधक, आमाशय और शरीर की अग्नि को बल देता है, रक्त पित्त का नाश करता है। पका हुआ खजूर किडनी और ब्लैडर को बलशाली बनाता है और शरीर में रक्त की वृद्धि में सहायक होता है। अब इसके प्रयोगों के बारे में चर्चा करें। यदि डायरिया, मधुमेह या बहुमूत्र की समस्या हो उसके लिए खजूर का शरबत बहुत ही लाभकारी होता है। यदि जुकाम हो गया हो तो खजूर को छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में औटा लें और फिर उस दूध को खजूर सहित सेवन करें। यदि तृष्णा की समस्या हो या रक्त में पित्त बढ़ गया हो यानी ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई हो उस समय 4-4 तोला बीज निकले खजूर, मुनक्का, मुलैठी और खांड, इन सब में करीब 2-2 तोला पीपल, दालचीनी, इलायची और तेजपान इन सबको मिला लें और कूट पीस लें। उसके पश्चात शहद के साथ इसकी गोली बनाकर इसका सेवन करें। श्वास चल रही हो, ज्वर का नाश करना हो उसके लिए बीज रहित खजूर, मुलैठी, फालसे, पीपल इन सबको मिलाकर घी में पका लें और फिर प्रयोग करें। अब बात करते हैं खजूर की गुठली। ये जो है अपने आप में बहुत ही गर्म, रुक्ष और जो बंधा हुआ मल है उसे बाहर निकालने वाली और श्वास से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। यदि कहीं चोट लग गई है तो फौरन इस गुठली को पानी के साथ घिस लें और उस चोट वाले स्थान पर लेप लगा लें। यदि गुर्दे की पथरी है उसके लिए पानी में उबालकर इसे पिए। यदि डायरिया है तो इसे पानी में घिस कर मरीज को चटाते रहें। सिर दर्द की समस्या के लिए इस गुठली का पेस्ट बनाकर सिर पर लेप करें। चलिए चर्चा करते हैं अब नीरा और ताड़ी के विषय में। इसे प्राप्त करने के लिए खजूर के तने के ऊपरी हिस्से पर कट लगाया जाता है जिससे कि धीरे धीरे बूंद बूंद रस निकलने लगता है। इस रस को छोटी छोटी हांडियों में एकत्रित कर लिया जाता है और सूर्योदय के पूर्व प्राप्त हो रहा है तो यह उस समय नीरा कहलाता है। नीरा इज अ गुड सोर्स ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड, रिबोफ्लेविन, थायमिन, शुगर एंड क्रिस्टलाइन। इसका यदि प्रयोग हम देखें तो जिन्हें मूत्र से संबंधित समस्या हो, पीलिया के रोगी हो, दांतों में कमी हो, रीढ़ की हड्डी में कोई विकृति हो और गर्भावस्था की कोई विकृति हो, स्तनों में दूध की वृद्धि करना हो, उन सब के लिए यह लाभकारी है, तब यह नीरा के रूप में प्रयोग होता है। अब रखे रखे यदि इस नीरा में बैक्टीरिया डेवलप हो जाए तो वह इसे फर्मेंट कर देते हैं
फर्मेंट हो जाने के पश्चात यह ताड़ी में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कि अल्कोहल का परसेंटेज होता है, इसलिए यह नशीले पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। अनोखी जानकारी, एक ही रस पर समय के साथ साथ रूप और गुणों में परिवर्तन। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने और अपने वालों को फ़ायदा पहुंचाते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।